सो व्हाट्स अपनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यार आप सभी लोग होंगे एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। सो गाइस, आज इस वाली वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रहे ऐप पूजा लॉन्चर के बारे में। और देखो, जिनको नहीं पता भाई ये पूजा लॉन्चर क्या है, तो देखो मैं बता दूं उनको कि ये पूजा लॉन्चर एक ऐसा ऐप है भाई जो माइनक्राफ्ट जावा को लॉन्च कर देता है भाई फोन के अंदर। सिर्फ इसलिए एंड्रॉयड के ऊपर जावा माइनक्राफ्ट। तो देखो गाइस, ये जो ऐप है ये काफी ज्यादा गोट है। लेकिन गाइस, आप लोगों को पता है कि भाई ये ऐप में कितना ज्यादा लैग होता है। सीरियसली भाई, जिसका 2 GB का फोन है तो भाई वो उम्मीद ही छोड़ दे, 4 GB वाले थोड़ा उम्मीद लगाए तो भाई इतना ज्यादा गंदा लैग होता है ऑप्टिफाइन लगाने के बाद भी। एंड भाई मैं तुम लोगों को ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैंने खुद डाउनलोड किया था। एंड भाई देख सकते हो भाई इसमें 1.19 कैसा चल रहा है। सीरियसली तुम लोग देख सकते हो इतना ज़्यादा गंदा लैग हो रहा था, जबकि मैंने भाई सारी अपनी सेटिंग्स वगैरह ऑफ करके रखी थी भाई। जितना मेरे से हो सकता था उतना मैंने कम किया था चंक्स वगैरह, लेकिन इसका परफॉर्मेंस तो भाई एकदम बेकार ही रहा। लेकिन गाइस, आप लोगों में जो भाई कुछ भयंकर वाला मोबाइल लेके खेलते हैं ना, वो लोग भाई खेल रहे हैं। लेकिन गाइस उसमें बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई उसमें बहुत सारी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी मिनिमम आप लोगों को भाई फीचर्स ही एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि भाई लैग के कारण उनको बंद करना होता है एंड ग्राफिक तो भाई बिगड़ ही जाती है। बट उससे बेहतर है कि हम लोग MCP को खेले। एंड MCP के अंदर भाई अपन लोग सब कर सकते हैं, रिप्ले वगैरह ये वे, एंड उसको जावा एडिशन जैसा भी बना के खेल सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, मैं तुम लोगों को बताता हूँ भाई अपने MCP के अंदर ये सब सेटिंग्स करो एंड भाई तुम लोग जावा के सर्वर्स तक ज्वाइन कर पाओगे। सो लेट्स गो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को अपना MCP जो है उसको स्टार्ट कर लेना है एंड वहाँ पे भाई अपना सेटिंग ऑन कर लेना। देन सिंपली भाई तुम्हें अपना सेटिंग जो है वो मेरी सेटिंग जैसा कर लेना है। अब मेरी सेटिंग कुछ दूसरी सेटिंग है, तुम्हारी दूसरी सेटिंग है, बट तुम्हें अपना सेटिंग बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें चला जाना है अपने कंट्रोल्स को चूज़ करने के लिए। तो तुम लोग भाई पुराना वाला कंट्रोल चूज़ कर लेना। हाँ ये थोड़ा बेकार है, बट सहना पड़ेगा तुम्हें अगर जावा में करना है, क्योंकि यही हाइड होता है। एंड यहाँ पे जैसी मेरी सेटिंग है उसको तुम लोग कॉपी कर सकते हो, MCP वाली सेटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसा ही कर लेना। एंड सेंसिटिविटी जो है भाई उसको ज़्यादा छेड़ना मत, तो जैसा है वो बेटर रहता है। अपने हिसाब से डिफ़ॉल्ट सेटिंग अच्छी रहती है काफ़ी, बट कुछ सेटिंग्स गड़बड़ रहती है जो हम बनाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इसका तो सीन ख़त्म होने के बाद तुम्हें अपना चला जाना है जनरल में। एंड जनरल में भाई तुम लोग अगर डेटा वगैरह का सीन हो, वाईफाई रहता है, उसको इंटरनेट में कर लेना। देन वीडियो पे आ जाना। वीडियो पे आने के बाद तुम्हें चला जाना है नीचे और तुम्हें एक ऑप्शन दिखेगा भाई UI प्रोफाइल का, उसको क्लासिक पे रखना, वो पॉकेट पे रहता है। एंड GUI स्केल जो है तुम्हें भाई जिसमें अच्छा लगे उसमें रखना, बट डिफ़ॉल्ट वाला मत रखना, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता। ऐसा ना थोड़ा कम कर दोगे ना थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, बस सिंपल सी बात यही है बस दुख दर्द। तो फिर तुम्हें थोड़ा ऊपर आ जाना है, तुम्हें एक आउटलाइन सिलेक्शन का ऑप्शन दिखेगा, उसको इनेबल कर देना। तो कमेंट के अंदर मैंने इन मोड्स का लिंक पिन कर दिया, इनको डाउनलोड कर लेना एंड इंस्टॉल कर लेना भाई अपने MCP के अंदर। एंड जैसे मैंने लगाया ना वैसे तुमको लगा लेना है। ये 2 मोड हैं, ये माइनक्राफ्ट का ऑफिशियल टेक्सचर पैक है, उसको मत काउंट कर लेना। अब बारी आती है कि हमें ज्वाइन करना होगा जब कोई जावा का सर्वर, तो उसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए भी कोई सेटिंग है, मैं बताता हूँ। तो देखो ये एक भाई बाईपास वाला तरीका है जो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ, बट ये काम अच्छा करता है, बस कुछ प्रीमियम सर्वर्स में काम नहीं करता जिसमें बैन वगैरह लगा हो। तो देखो पहले तुम्हें एक सर्वर ऐड कर लेना है। यहाँ पे भाई दिख ही रहा है तुम्हें IP पोर्ट वगैरह जैसा है सब कर लेना। नेम तुम कुछ भी रख सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाला सर्वर पहले तुम्हें ऐड कर लेना है, देन इसमें तुम्हें ज्वाइन होना है गाइस। तो फटाफट से मैं भी ज्वाइन हो जाता हूँ। तो जैसे तुम लोग सर्वर के अंदर आओगे इस वाले, तो तुम्हारा भविष्य दिख जाएगा, फ्यूचर जो तुम्हारा होने वाला है। बट टेंशन ना लेना, वहाँ पे मैं रहूँगा तो तुम्हें उधर एक उम्मीद की किरण दिखाई देगी। तो उस उम्मीद का किरण का नाम है भाई डायरेक्ट कनेक्शन। उस पर क्लिक करने के बाद तुम्हें जो भी जावा का सर्वर ज्वाइन करना है उसका IP तुम्हें डाल देना है जावा वाला। और देखो ये जो पोर्ट है ना, इसके साथ कुछ भी छिड़कानी मत करना। पोर्ट के साथ छिड़कानी करोगे तो तुम्हारे साथ छिड़कानी कर देगी, ज्वाइन नहीं हो पाओगे। बस तुम्हें अपना डाल देना है भाई IP जो जावा का रहता है वही डाल देना है एंड देन तुम EGPG कनेक्ट हो जाओगे। थोड़ा सा वेट करना एंड दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को भाई कमाल कि क्या हो रहा है। तो थोड़ा टाइम लगता है, मेरा इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है बाय द वे तुम्हारे से, तो वेट करते हैं थोड़ा यार।
तो जैसा कि गाइस तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं ज्वाइन हो चुका हूँ इस सर्वर के अंदर। अब मुझे चलने फिरने के लिए भाई जो लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं फटाफट से लॉगिन भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लॉगिन करते ही मैं भाई यहाँ पे अब कहीं पे भी जा सकता हूँ, जो गेम मैं खेलना चाहूँ इस सर्वर के अंदर मैं खेल सकता हूँ एकदम इजी पीजी। तो तुम्हें भी ऐसा कर लेना। एंड तुम्हें भाई मैं प्रूफ दिखा दे रहा हूँ, ये देखो चैट, ये एक MCP ही है, मैं जावा पे चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग आराम से कर सकते हो, ये 100% रियल ट्रिक है। और बटन तुम्हें नहीं दिख रहा होगा तो मैंने भाई उसको हाइड किया है, जो मैंने मैं मोड डलवाया था ना इन्हीं के लिए डलवाया था। एंड एक और जो मैंने मोड डलवाया था वो पार्टिकल्स के लिए था, जावा पार्टिकल्स के लिए, जैसे जावा एडिशन के अंदर पार्टिकल्स आते हैं ना, उसी के लिए था वो वाला मोड। एंड हाँ गाइस, पूरा जावा की तरह तुम्हारा नहीं हुआ होगा, क्योंकि भाई मैंने मोड्स जो इंस्टॉल किया ना वो भाई चल ही नहीं पाए 1.19 या फिर 20 के अंदर, दोनों का सेम ही सीन है, चल ही नहीं पाए। बट अगर वो चल जाते तो अभी ना अपना गेम एकदम जावा एडिशन की तरह हो गया होता पूरा इंटरफेस वगैरह, क्योंकि भाई UI वगैरह आता था पहले भाई गजब गजब सा, जावा वाला मोड्स एकदम तगड़ा आता था, बट अभी नहीं आता है, काम ही नहीं करता, आता तो है। तो देखो गाइस, अब रिप्ले का अगर तुम्हें रिकॉर्ड करना हो तो भाई उसका जो सीन है वो मैं तुम लोगों को भाई एक वीडियो दे रहा हूँ, उसको जाके देख लो, उसमें बताया गया कि तुम लोग MCP के अंदर कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो रीप्ले को, तो उसको जाके देख लेना। अगर मैंने बताना स्टार्ट किया तो भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, एंड मैं नहीं चाहता, सब मैं कम टाइम में निपटा देना चाहता हूँ, तो जाके उसको देख लेना। एंड हाँ, अगर तुम लोगों को भाई वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो यार चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए डाटा बाय एंड टेक केयर गाइस, लव यू गाइस, बाय बाय।